तो रात के अंधेरे में क्रेटा गाड़ी को निशाना बनाया गया। आप ये देख सकते हैं साफ तस्वीरों में कि किस प्रकार से टोचर द्वारा गाड़ी को उड़ा लिया जाता है। I-20 कार में जो है चोर आते हैं और क्रेटा गाड़ी को उड़ाकर ले जाते हैं। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर करें, सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर आपके पास भी गाड़ी है, अगर आप भी अपनी गाड़ी को घर के बाहर खड़ा करते हैं तो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं पहले भी जरूर देखी जाती रही हैं। और एक नया मामला आता है हरियाणा के करनाल जिले का, जिया करनाल के मान कॉलोनी की, जिया कैथर रोड स्थित मान कॉलोनी की। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर घर के बाहर खड़ी क्रेटा गाड़ी को रात के अंधेरे में उड़ा लिया जाता है। और वहीं दूसरी ओर मकान मालिक की माने तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वह 11 से 12 बजे के बीच अपनी गली में थे, यानी कि घर के बाहर बैठे हुए थे। उसके बाद वो घर के अंदर जाते हैं और ये घटना होती है करीब 1:30 बजे के आसपास जो है गाड़ी को उड़ा लिया जाता है। तो हमारा निवेदन है, अगर आपके पास भी गाड़ी है तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो इसी जगह पर, जी हाँ, इसी जगह पर गाड़ी खड़ी थी और किस प्रकार से रात के अंधेरे का चोर फायदा उठा देते हैं और उसके बाद गाड़ी को ही अपने साथ ले जाते हैं। अगर आप भी अपनी गाड़ी को घर के बाहर खड़ा करते हैं तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। और इस वक्त नवाब जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। नवाब जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, कब की घटना है ये? तो जी सुबह हमने 6 बजे उठा, जब मैं बाहर आया तो देखा भाई गाड़ी नहीं खड़ी। मैं चौंक गया, फिर मैंने आसपास अपने पड़ोसी सारे उठाए, देखा भाई गाड़ी नहीं है। फिर हमने आसपास के कैमरे चेक किए तो उन्हें पता लगा भाई गाड़ी तो चोरी होगी रात को। I-20 में बंदे आ रहे हैं जी, लगभग 4-5-6 बंदे हो सकते हैं, मुंह ढके हैं उनके, तो वो ये आके रुकते हैं, लाइट बंद करते हैं और आके फिर उन्होंने गाड़ी में राड निकालते अपनी गाड़ी से और वो तोड़ने लगे लोग, उसका लोग लाख तोड़ के वो गाड़ी को यहाँ से धक्का मार के ले गए वहाँ तक आगे। फिर उन्होंने पिछली गली में जाके वहाँ पे उन्होंने वो टोचन किया है अपनी गाड़ी से, I-20 से, ठीक है जी। वो दूसरे वहाँ की गली में कैमरा लगे उसकी फुटेज में आया हुआ है, तो उसको टोचन करके ले गए। फिर आगे वो कैथल रोड पर चढ़े हैं, अब ये नहीं पता आगे वो उधर गए हैं कैथल की तरफ या शहर की तरफ गए हैं, वो फुटेज अभी कोई पता नहीं। कितने लोग बताए जा रहे हैं? लोग तो जी होंगे लगभग 5-6। क्या उम्र क्या होगी उनकी? उम्र यंग ही थे बस, कोई 30 साल का, कोई 25 साल का। कोई क्या काम करते हैं? मेरा तो प्रॉपर्टी का काम है। आप लाइट में नहीं दिखी आपके भेती कोई है, कोई आपकी कोई पुरानी रंजिश? नहीं, रंजिश तो कोई नहीं, लेकिन ऐसा कुछ कह भी नहीं सकते क्या कोई आस पास कोई व्यक्ति हो। इलाके की लाइट भी बंद कर दी थी एक पहले उन्होंने, ये स्ट्रीट लाइट बंद करी आके। अच्छा, उधर से आए हैं वो तो स्ट्रीट लाइट बंद करके फिर गया बंदा, फिर गाड़ी उधर से आई है उन्होंने, फिर उसकी भी लाइट बंद कर दी। इस प्लॉट की अगर हम बात करें तो इस प्लॉट में सिर्फ आपकी ही गाड़ी खड़ी होती है, किसी और की खड़ी होती है? नहीं, सारी खड़ी है गाड़ियाँ यहाँ पे, मेरी यहाँ पे खड़ी है, इनकी 3-4 गाड़ियाँ आगे खड़ी होती है। ही गाड़ी को निशाना बनाया? मेरी गाड़ी को, क्योंकि हम मार्केट में भी कम से कम 8-10 गाड़ियाँ खड़ी होती है, महंगी से महंगी। पीछे गली में भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, क्रेटा भी खड़ी है, किया भी खड़ी है, तो इसी को मेरी गाड़ी को आके टारगेट किया। पहले वो पूरी छानबीन करके गए होंगे दिन में, हो सकता है जी, क्या पता 1-2 दिन पहले रेकी की हो उन्होंने। तो सीसीटीवी लगी, यहाँ का कोई बंदा मिला उनके साथ, उसने सारा भेज दे रखे उनको। कैमरा लगे हुए हैं? हाँ जी, कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे से ही हमें पता लग गया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, नवाब जी हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं और यही वो घर है जहां पर कैमरे भी जरूर लगे हुए हैं और जो फुटेज है वो भी कैद जरूर हुई है। और इसी जगह पर आप ये देख सकते हैं, खाली प्लॉट है, इसी जगह पर ही गाड़ी यहां पर रात को, क्योंकि जो मालिक हैं वो घर के आगे जो है गाड़ी को पार्क करते थे, लेकिन रात के अंधेरे में किस प्रकार से चोर फायदा उठा लेते हैं और गाड़ी को ही उड़ा कर ले जाते हैं। हालाँकि आप देख सकते हैं रिहायशी इलाका है मान कॉलोनी की, इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रही है। जी हाँ, कैथल रोड स्थित मान कॉलोनी की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। काफ़ी गाड़ियां मौजूद हैं, आप ये देख सकते हैं, क्योंकि घरों के अंदर जगह नहीं होती है और लोग जो है गली में ही गाड़ी को खड़ा कर देते हैं और फिर उसके बाद किस प्रकार से गाड़ी को निशाना बनाया जाता है। लोग हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात कर रहे थे। बाबूजी, आप कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं? मैं तो बहुत टाइम हो गया, 2010-11 से हम रह रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, आज हमारा सुबह प्रोग्राम था बाहर जाने का, घूमने का, और इसी कार में जाने का, क्रेटा में, और इसकी वजह से जो I-20 है, क्रेटा है जी, क्रेटा है जी, क्रेटा I-20 में। तो जो लेकर के गए हैं जो चोर आए थे वो I-20 में आए थे, ब्लैक रूफ वाली में। अच्छा। जो हमने CCTV फुटेज में देखा है। अच्छा। तो आज सुबह जो है ना 6 बजे जब उठ करके बाहर आए तो तब देखा गाड़ी नहीं है यहाँ पर, तो तब देखा कि गाड़ी, पता लगा कि गाड़ी चोरी हो गई। तो जब सब जगह फिर फुटेज देखी, 112 नंबर पर कॉल की,
112 नंबर PCR भी आई यहाँ पर, उन्होंने VT भी की और उसके बाद जो है ना CCTV फुटेज देखी। तो CCTV फुटेज से हमें ये पता लगा कि तकरीबन पाँच से छः लोग थे जो I-20 कार में आए थे और यहाँ लाइट, ये स्ट्रीट लाइट है, इसको बंद करने के बाद उन्होंने थोड़ा आगे जा कर के एक आदमी यहाँ रुका और दूसरे जो इस कार के पीछे रिट्स के पीछे जा कर के कार खड़ी की उन्होंने I-20, उसमें से फिर दो लोग उतरे, एक यहीं पर था, फिर वो कुछ सामान लेके आए अपने साथ, इधर किया उन्होंने जो भी कार के साथ, और उसके बाद फिर दोबारा गए 3-4 बार ऐसे, कोई एक बार राड भी उनके हाथ में दिखाई दी, आईपैड भी दिखाई दिया, जिससे कि उन्होंने यहाँ कार में क्रेटा के अंदर जो भी उसने लॉक को तोड़ा या किस तरह से उन्होंने किया। फिर उसके बाद वो धक्का मारते हुए तीन लोग उसको क्रेटा को ले जाते हुए दिखाई दिए, जैसे क्रेटा उनकी कार से आगे निकली तो उनकी कार भी स्टार्ट होकर के उनके पीछे पीछे गई। फिर यही सड़क इधर मुड़ करके जा रही है जो बाहर जाती है, तो उस कॉर्नर पे जब इधर पीछे की फुटेज देखी है पीछे हमारे पड़ोसियों की, तो वहाँ पर वो कार को 15-20 मिनट तक रोका उन्होंने और उनके पास कोई स्टार्ट करने का नहीं स्टार्ट हो पाई, तो उनकी कार जो I-20 थी वो कई दोबारा गई और कहीं से रस्सा लेकर के आई और रस्सा उस पर लगाया, लगा करके वो रस्से में, बाद में CCTV फुटेज में आ रही थी कि वो रस्से से जो है ना कार को पीछे टोचन करके वो ले करके गए यहाँ से। सर क्या लगता है, काफ़ी रसूखदार लोग यहाँ पर रहते हैं, काफ़ी समय से आप भी रह रहे हैं यहाँ पर, कोई पुलिस की गश्त यहाँ पर रात को लगती है? PCR तो कभी कभी आती है और PCR बाहर भी होती है, कई बार चक्कर भी मारती है, लेकिन अब चांस की बात है चोर लोग भी PCR देखकर तो वो भी नहीं आएंगे, वो भी इस रेकी में रहते हैं, उन्होंने भी देखा होगा कि इस समय PCR नहीं है या इस समय कोई नहीं है यहाँ पर, 1:30 बजे का टाइम है, उस समय सभी लोग अच्छे से सोए होते हैं, नींद आती है उस समय, तो रेकी करके ही ये किया गया है, नहीं तो बहुत सारी उधर मार्केट है, उधर बहुत अच्छी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उधर से नहीं उठी, यहाँ क्रेटा यहाँ से उठाई गई, तो अब कंप्लेंट की है आपने? हाँ जी कंप्लेंट की है, सुबह हम रामनगर थाना में जो है इसका एक एप्लीकेशन देकर के आए थे, जिसके लिए हमने FIR के लिए कहा है, तो और VTV करवा दी है इसके लिए, अब देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है आगे। तो बिल्कुल आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्रेटा गाड़ी को उड़ा लिया जाता है रात के अंधेरे में। I-20 में ये लोग आए थे और आप ये देख सकते हैं जिनकी गाड़ी, उनका नाम नवाब है, ये फ़ोन स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, प्रॉपर्टी का ये काम करते हैं, और किस प्रकार से इनकी गाड़ी को निशाना बना लिया जाता है। और वहीं दूसरी ओर जो और लोग यहाँ पर रहते हैं, यानी कि जिनकी गाड़ियाँ हैं, उनमें भी भय का माहौल जरूर बना हुआ है। करनाल के SP गंगाराम पुनिया जी से निवेदन करना चाहेंगे कि वो इस ओर ध्यान जरूर दें, क्योंकि लगातार जो चोर है वो कहीं ना कहीं सक्रिय होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी कई गाड़ियों को उड़ाने का मामला जरूर सामने आया है। तो जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करें, आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा, अपडेट आपको देते रहेंगे।